हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये हमारे पास आईआईटी लेवल तो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, द सीक्वेंस एसएन ऑफ रियल नंबर गिवन बाय एसएन बराबर ये दिया हुआ साइन पाई बाय 2 / 1 / 2 साइन पाई बाय 2 का स्क्वायर / 2 / 3 साइन पाई / 2 टू द पावर n n / n + 1 इज डाइवर्जेंट ऑसिलेटिंग अ कोची सीक्वेंस और सर नॉट अ कोची सीक्वेंस और अ कोची सीक्वेंस, हमें ये चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए फ्रेंड्स हम इस सीक्वेंस को पहले ये चेक करते हैं डाइवर्जेंट है या नहीं। तो डाइवर्जेंट चेक करने के लिए हम पहले ये हमारे पास सीक्वेंस है फ्रेंड्स, इस सीक्वेंस को हम क्या लिख सकते हैं, इस सीक्वेंस को लिख सकते हैं हम लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ SN की फॉर्म में, समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें इसको सॉल्यूशन, समेशन की फॉर्म में समेशन SN बराबर समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन टू की पावर n अपॉन n कोष्टक n प्लस 1, ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी रे साइन पाई अपॉन टू की पावर n अपॉन n कोष्टक n प्लस 1। बेसिकली हमारे पास सपोज कि ये हमारे पास un है, यानी ये हमारे पास un क्या है, हमारे पास साइन पाई बाई अपॉन टू की पावर n अपॉन n कोष्टक n प्लस 1। अब हम देख रहे हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और un, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन पाई अपॉन टू एन अपॉन एन कोष्टक एन प्लस 1, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से इस टाइप को हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन पाई अपॉन टू की पावर n अपॉन पाई अपॉन टू की पावर n का हमने नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास n कोष्टक n प्लस 1 और साथ में ही पाई अपॉन टू की पावर n का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। तो हमारे पास अगर पाई अपॉन टू की पावर n से ये कर जाएगा ये टर्म आ जाएगी, ये हो गया हमारे पास यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब फिर साइन थीटा अपॉन थीटा जो टर्म है वो 1 हो जाती है, तो ये तो हमारे पास 1 हो जाएगा, बचा हमारे पास पाई अपॉन टू की पावर n कोष्टक n कोष्टक n प्लस 1। अब यहाँ पे देखे तो n सब जगह नीचे है, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये जो वैल्यू है जीरो की तरफ टेंड्स कर जाएगी और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इक्वल टू जीरो, un इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमारे पास शो होता है कि ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट सीरीज है, तो यहाँ से हमारे पास शो इंप्लाई sn इज कन्वर्जेंट सीरीज। अगर इस कन्वर्जेंट सीरीज है तो हर सीरीज जो कन्वर्जेंट होती है वो एक कोची सीरीज होती है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि sn इज अ कोची सीक्वेंस। अगर कोई हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो उस कंडीशन में वो कोची सीक्वेंस होता है, तो यहाँ से हो गया हमारे पास sn जो है वो कन्वर्जेंट है और sn जो है यह कन्वर्जेंट है तो sn जो है वो एक कोची सीक्वेंस है। तो फिर इस तरह से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। और भी क्वेश्चंस आगे के क्वेश्चंस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।